एनिमल के अबरार बनकर दुनिया को अपना दीवाना बनाने वाले एक्टर बॉबी देओल की दीवानगी लोगों के सर चढ़कर बोल रही है। फिल्म में एक भी डायलॉग बोले बिना बॉबी को लोगों ने लॉर्ड बॉबी का नाम दिया है। धर्मेंद्र के छोटे बेटे बॉबी देओल आज अपना 55वां जन्मदिन मना रहे हैं। उनके फैंस बड़ी बेकरारी से उनकी अगली फिल्म का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉबी देओल ने कई सालों तक इस सफलता का इंतजार किया है। एक दौर ऐसा भी था जब उनके पास कोई काम नहीं था। उन्होंने एक क्लब में डीजे के रूप में काम किया। आज बॉबी के जन्मदिन पर जानते हैं उनके बारे में कुछ अनसुने किस्से। बॉबी देओल ने जब बॉलीवुड में एंट्री की तो उन्हें जबरदस्त सफलता हासिल हुई। उनके स्टाइल और उनकी एक्टिंग ने लोगों को आकर्षित किया। वो रातों रात स्टार बन गए। बॉबी और ट्विंकल खन्ना ने फिल्म बरसात से एक साथ सिनेमा की दुनिया में कदम रखा था। फिल्म जबरदस्त हिट रही थी और इसके बाद बॉबी के पास कई फिल्मों की लाइन लग गई थी, जिसके बाद बॉबी देओल ने सोल्जर, गुप्त, द हिडन ट्रुथ, दिल लगी, बादल, बिच्छू, क्रांति जैसी कई सुपरहिट फिल्में दी। किस्मत का सितारा हर दिन एक जैसा नहीं चमकता और ऐसा ही कुछ बॉबी देओल के साथ भी हुआ। हैरानी की बात यह है कि बैक टू बैक सुपरहिट फिल्म देने वाले बॉबी अचानक असफलता के शिकंजे में फंस गए। बॉलीवुड में अच्छा नाम कमाने और धर्मेंद्र जैसे स्टार के बेटे और सनी देओल के भाई होने के बावजूद एक वक्त ऐसा था जब बॉबी देओल के पास काम नहीं था। हालात ऐसे हो गए कि उन्होंने 10 साल तक कोई काम न मिलने के बाद हार मानकर साल 2016 में दिल्ली के नाइट क्लब में बतौर डीजे काम शुरू कर दिया था। बॉबी देओल के इस मुश्किल वक्त में सलमान खान मसीहा बनकर आए और इंडस्ट्री में उनकी वापसी कराई। साल 2018 में सलमान खान ने बॉबी को फिल्म रेस 3 का ऑफर दिया। इस फिल्म के बाद बॉबी की जिंदगी की कहानी बदल गई। इसके बाद वो अक्षय कुमार के साथ हाउसफुल 4 में नजर आए, लेकिन असली कहानी अभी बाकी थी। बॉबी वेब सीरीज आश्रम में जब बाबा के रोल में नजर आए तो लोग फिर उनकी एक्टिंग के दीवाने हो गए और उनका लोहा मानने लगे। आखिरकार साल 2023 में बॉबी देओल की किस्मत का सितारा बुलंद हुआ और वो फिल्म एनिमल में अबरार के किरदार में छा गए। तो ये थी बॉबी देओल की कहानी। ऐसी ही तमाम कहानियों के लिए जुड़े रहें इंडिया टीवी शोबिज के साथ। तब तक के लिए हैप्पी बर्थडे बॉबी देओल।